ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सोल्व करना है, सीरीज पैटर्न पे ही है ये सारी चीज़ें, आने वाले एग्जाम में आपको मिलेंगी, ये चेंजेस हो सकते हैं उसमें। देखिए ध्यान से समझना है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। देखिए पिछले 3-4 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो बेसिकली इस टाइप के हैं जो आपको सेम एग्जाम में मिलेंगे, और वो थोड़े थोड़े चेंज है उसमें, यानी बहुत बेसिक सा चेंज है, कॉन्सेप्ट आपका वही है। अगर आप देखते हैं ऊपर और नीचे वाले में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, क्योंकि 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर कट गया, 1 और 1 2। यानी अगर कोई नंबर मैं ऐसा लिखूँ 5/3, जैसे कि इसे भी मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का स्क्वायर -1, तो इसी चीज़ को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2/3, यानी एक बारी में जाएगा और जो बचा हुआ अंतर है वो इसके ऊपर आ जाएगा। यानी इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ तो 1 प्लस 2/3 स्क्वायर -1, एक तो आएगा ही आएगा, जो अंतर है इनका वो यहाँ आ गया, नीचे वाली टर्म एज इट इज आ गई। इसी तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ, इसी तरीके से आप आगे तक जाएंगे ये आ जाएगा। अब अगर आप देखते हैं एक 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 एक, तो अगर 3 से लेके 99 तक की गिनती करें और केवल ऑड नंबर अगर आपने देखने हैं, तो ऑड नंबर अगर 1 से 100 तक की बात करें तो 50 ऑड होते हैं, 50 इवन होते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है, 3 से शुरुआत करनी है, तो 49 संख्या होंगी, 49 संख्या होंगी और सभी 1 1 दे रही हैं, तो 1 × 49 प्लस 2/3 स्क्वायर -1, 2/99 स्क्वायर -1। अब अगर मैं आपसे बोलूं 3 स्क्वायर -1 है, इसे आप लिख सकते हैं 3 - 1 और 3 + 1, इसी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं 99 - 1, 99 + 1। अब आपने देखा कि नीचे वाले का जो अंतर है वो है 2, वो ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का जो अंतर है वो है 2, वो ऊपर पड़ा है, क्योंकि 99 में से 1 कम और 99 के 1 ज़्यादा में अंतर 2 का होगा। तो इस टाइप की सीरीज का आंसर क्या होता है, 1/1st term यानी 2 - 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हो गई 100, ये आ जाएगा 1/1st term - 1/लास्ट टर्म। तो ये हो गया 49.5 - 0.01, तो 49.49 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से समझिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको उस एग्जाम में सेम मिलेगा। अब आपने ध्यान से देखा कि भाई ऊपर वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट में अंतर कितने का है, 2 का, 1 - -1 यानी 2 हो गया, 1 कम और 1 ज़्यादा तो अंतर हो गया 2 का। तो आपने देखा कोई भी टर्म ऐसी जिसमें 2 का अंतर है आप उसे लिखते हैं, तो इसे आप इस तरीके से लिख पाते हैं, 1 + 2/3, इसे हमने लिख दिया 1 + 2/ये, 1 + 2/ये, 1 + 2/ये। अब आपने देखा अगर मैं बोलता हूँ 1 से लेकर 99 तक 50 ऑड नंबर हैं और 50 इवन हैं, पर हमने एक नहीं लेना है, 3 से शुरू करना है, तो 3 से लेकर 99 की बात करें तो 49 ऑड संख्या होंगी और 49 ही इवन होंगे, क्योंकि 2 भी नहीं है इसके अंदर, पर आपको उससे मतलब नहीं है, आपको केवल इससे मतलब है ऑड संख्या से। तो यानी 49 बारी 1 आएगा, वो आपने ये लिख दिया, इसे आपने इस तरीके से तोड़ के लिखा, इसका अंतर ऊपर पड़ा है, इसका अंतर ऊपर पड़ा है, 1/1 का अंतर, 1/लास्ट टर्म, 1/1 टर्म - 1/लास्ट टर्म, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 17 मेंस का ही क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर।
देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पर। मैंने बोला था आपसे कि भाई इस टाइप में आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा क्वेश्चन कभी भी। देखिए इसके अंदर मिक्सचर है दो सीरीज का, और दोनों ही सीरीज आपने पहले पढ़ रखी हैं, आज ही आपने पढ़ी हैं, यानी एक का अंतर वाली भी तीन का अंतर वाली भी। अगर आप देखते हैं इसी तरीके से आप ये वाली देखते हैं, यानी दो सीरीज हैं। पहली सीरीज हो गई आपकी 1/1/2 से लेकर आगे तक जा रही है, और आगे तक जो जा रही है वो 10 टर्म इसकी हैं और 10 टर्म दूसरी वाली की हैं। ये अभी हमें नहीं पता है। आखिरी टर्म निकालने के लिए देखिए आप दो चीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो पता लगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखा इसमें गैप कितना है, इसमें गैप है 1 का, और ऐसी 10 टर्म है तो 10 टर्म के अंदर कितना गैप हो जाएगा, 10 का गैप हो जाएगा। 10 का गैप का मतलब है यहाँ जो नंबर लिखा होगा आखिरी नंबर और इस नंबर में 10 का अंतर होगा, यानी ये 11 होगा, ये 11 होगा तो ये 10 आ जाएगा। या फिर आप काउंटिंग से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 1 से लेके 10 तक लिख दिया और ये 11 लिख दिया। या आप एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d, यानी आपको 10वीं टर्म निकालनी है। क्या होगी तो पहली टर्म क्या है, 1 है, n-1 यानी 10-1 जो कि 9 हो गया, d यानी 1 हो गया, तो ये 10 आ गया, यानी जो 10वीं टर्म होगी वो 10 होगी। पर पहला तरीका सबसे बेटर है कि आपने सीधा सीधा देखा कि भाई इनमें अंतर कितना है 1 का, ऐसी 10 टर्म है तो 10 टर्म में कुल अंतर कितना हो जाएगा, 1 × 10, यानी आखिरी जो नंबर लिखा होगा वो इससे 10 ज्यादा होगा, तो यानी वो 11 आ गया, ये 10 आ गया। आखिरी नंबर इसलिए बोला मैंने क्योंकि इसके अंदर हम यूज आखिरी नंबर करते हैं। अब जैसे यहां देखते हैं इसमें अंतर कितने का है, 3 का है, 10 टर्म है तो अंतर कितना हो गया, 30 का, यानी आखिरी टर्म पहली से 30 ज्यादा होगी, यानी 31 होगी। आखिरी टर्म मैंने 31 लिख दी और 31 ये लिख दिया, 3 का गैप है यानी 28 आएगी। इससे मतलब नहीं है वैसे आपको। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, इसे आप लिख सकते हैं 1 - 1/11 यानी 9/11 हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए पहले तो 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 ऊपर आएगा तो 1/ पहली टर्म -1/ आखिरी टर्म 31। तो इसे आप देखते हैं, अगर सॉल्व करते हैं 31 - 1 30 यानी 10/31। इन दोनों को आपको ऐड करना है, 10/31 और 10/11, 31 और 11 हो गया 42 यानी 420/341, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए उन्हें सिंपल नहीं दिया कि भाई आप डायरेक्ट सीरीज दे रखी है, हमने ये आंसर निकालिए। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट दे दिए, पहले तो आपको 10वीं टर्म निकालनी है। 10वीं टर्म आप देखिए मैं बता रहा हूँ, आप या तो इससे निकाल सकते हैं या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, tn यानी a+n-1 × d। a क्या होती है, पहली टर्म, पहली टर्म यहाँ पर 1 थी। n क्या हो गया यानी कितनी टर्म्स हैं, यानी 10, 10 में से 1 गया यानी 9। d क्या हो गया, इनका अंतर, यानी ये आपको 10 आ जाएगी। ये चीज़ आप यहाँ पर भी लगा सकते थे, अगर टी टेन निकालना है मेरे को, पहली टर्म 1, n-1 9 हो गया, अंतर कितना हो गया 3, 9 * 27 और 1 = 28, यानी इसका 28 आएगा यहाँ पर और 3 एक्स्ट्रा यानी 31 हो जाएगा। बाकी मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया, 1 का अंतर है और 10 टर्म है तो 10 हो गया, आखिरी में 11 आएगा। 3 का अंतर है और 10 टर्म है तो 30 का अंतर हो गया, आखिरी में 31 आएगा। फिर इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, अब आप इसे लिख सकते हैं, ये 17 में इसका ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके ट्रिपल सीरीज पे भी बन जाते हैं, जिसके अंदर 3 नंबर होते हैं, इसी टाइप पे बेस होती है वो। उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले, क्वेश्चन बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट देखिए। अगर मेरे सामने n, n+a
एन प्लस बी लिखा है, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, वन बाय बी एन इंटू एन प्लस ए, एन प्लस ए इंटू एन प्लस बी, यानी तीन नंबर इस तरीके से हैं आपके पास, एन एन प्लस ए एन प्लस बी और ऊपर वन है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, वन अपॉन बी यानी आखिरी और पहली का अंतर डिफरेंस ऑफ थर्ड माइनस फर्स्ट, वो नीचे आ गया, ये पहली दो टर्म आ गई, ये आखिरी दो टर्म आ गई, यानी अगर आपको कोई इस टाइप की सीरीज मिलती है वन अपॉन एन एन प्लस ए एन प्लस बी, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो पहली और आखिरी का अंतर है वो नीचे होना चाहिए, और इसे आप लिख सकते हैं वन अपॉन पहली दो टर्म माइनस वन अपॉन आखिरी दो टर्म, और इससे आपका आंसर आएगा। पहले आप ये नोट करिए, अब इस पे बेस एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, और 17 मेंस में भी इस पे बेस क्वेश्चन आया है, अगर आप पहले करके गए होंगे तो ही एग्जाम में हुआ होगा। देखिए अगर आपने ये पैटर्न नहीं पढ़ा हुआ तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा एग्जाम के अंदर, तो यानी इसी पैटर्न आपको पहले से ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैंने आपको बताया है आंसर क्या होता है, वन अपॉन इसका अंतर, इसका अंतर आपका कितना आ गया, दो आ गया, वन अपॉन पहली दो टर्म माइनस वन अपॉन आखिरी दो टर्म, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 25 75 / 10 302 आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करने वाला पार्ट भी ऐसे ज़्यादा नहीं है, आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना और 2 से काटना है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं, वन अपॉन पहले तो डिफरेंस आ गया आखिरी का और पहले का जो कि दो है, फिर आंसर था वन अपॉन पहली दो टर्म माइनस वन अपॉन आखिरी दो टर्म, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आंसर आएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखेंगे जो 17 में इसमें आया हुआ है, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है। अभी आपने एक चीज पढ़ी वन अपॉन एन एन प्लस ए एन प्लस बी, इसको आप देख सकते हैं वन अपॉन बी वन अपॉन फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस वन अपॉन सेकेंड इंटू थर्ड, और ये मैंने आपसे बोला कि भाई इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में आप लगा सकते हैं। इस फॉर्म में देखिए हमने कैसे लगाया, अगर आप इसे लिखते, मैं इसे लिखता वन अपॉन टू वन अपॉन पहली दो टर्म माइनस वन अपॉन आखिरी दो टर्म, इसे इस तरीके से लिख सकते थे, फिर आप इसे लिखते पहली दो टर्म आखिरी दो टर्म, इसी तरीके से आगे तक जाते वन अपॉन पहली दो टर्म माइनस वन अपॉन आखिरी दो टर्म, तो ये सारा पार्ट तो कट जाता, केवल यही बचता वन अपॉन पहली दो माइनस वन अपॉन आखिरी दो, इसलिए मैंने आपसे बोला ये चीज़ आप डायरेक्ट ही ध्यान रखिए, इसके अंदर वन अपॉन जो डिफरेंस आएगा वो आएगा वन अपॉन पहली दो टर्म करेंगे और वन अपॉन आखिरी दो टर्म करेंगे, यही पार्ट हम दो वाले में करते हैं।